फ्रेंड्स एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक चैनल। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं गूगल मोबाइल स्पीड टेस्ट टूल के बारे में, यानी कि मोबाइल फोन्स पे हमारी वेबसाइट की क्या कंडीशन रहती है, क्या स्पीड है, कितना टाइम लोड होने में लेती है, क्या ऑप्टिमाइजेशन के स्कोप है, ये सारे हम देखेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए हम देख लेते हैं। मोबाइल पे वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करने के लिए हम टाइप करेंगे गूगल मोबाइल स्पीड टेस्ट टू। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि हमारे पास गूगल की तरफ से एक टूल है, गूगल पेज स्पीड इनसाइट टूल। वो हमें बताता है कि गूगल पे और हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। पर अगर हमें देखना है कि मोबाइल फ़ोन्स पे जब हमारी वेबसाइट को ओपन किया जाता है तब क्या स्पीड है, क्या ऑप्टिमाइजेशन के स्कोप है मोबाइल पे ही, उसके लिए गूगल ने हमें अलग से एक फ्री टूल दे रखा है जो कि है testmysite.thinkwithgoogle.com। ये मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल पे हमारी वेबसाइट इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको टेस्ट करके बता देगा कि आपकी वेबसाइट कहाँ टाइम ले रही है, कितना परसेंट बाकी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट बेटर है। अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कम है तो उसकी वजह से कितने यूज़र्स आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाते हैं, ये सारे पॉइंट, जैसे कि एक वेबसाइट की एनालिटिक्स होती है वैसे ही मोबाइल पे आपकी वेबसाइट का पूरा एनालिटिक्स करके ये टूल आपको बता देता है। तो यहाँ पर टेस्ट के लिए हम WS क्यूबटेक की वेबसाइट ले लेते हैं। ये WS क्यूबटेक की वेबसाइट है, इसका URL मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इस URL को हमने पेस्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस URL को, हमारी वेबसाइट को कितना टाइम लगता है जब यूज़र कोई मोबाइल पे ये वेबसाइट को ओपन करता है। तो ये वेबसाइट को पूरा स्कैन कर रहा है, हमारी वेबसाइट को, साथ में कनेक्शन को, क्योंकि कनेक्शन जो मोबाइल कनेक्शन है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी वेबसाइट की लोडिंग में। अगर कनेक्शन वीक है तो हमारी वेबसाइट में भी दिक्कत है, अगर कनेक्शन स्ट्रांग है तो हमारी वेबसाइट बहुत जल्दी लोड हो जाएगी। साथ ही में उसमें कितना डेटा है, यानी जो HTML की फाइल्स है, जो CSS की, JavaScript की फाइल्स होती हैं, उनकी साइज़ भी बहुत मैटर करती है, और उसकी रिस्पॉन्सिव होना। अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो वो बहुत जल्दी आराम से स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपना लेआउट सेट कर लेगी और लोड हो जाएगी। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसको लोड होने में भी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ये पूरा टेस्ट करता है, एनालाइज करता है, फिर आपको रिपोर्ट शो कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने बोला है 7 सेकंड्स और ये लोडिंग टाइम 3G स्पीड पे बता रहा है। इसने बोल दिया आपका लोडिंग टाइम फेयर है, यानी कि और बेटर हो सकता है। पर इसकी वजह से 26% ऐसे यूज़र्स हैं जो हमारी वेबसाइट को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वेबसाइट का स्पीड 7 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हम मानते हैं। और हम जब नीचे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कंपेयर करके बता रहा है कि हमारी वेबसाइट की कंडीशन कहाँ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेने वाली वेबसाइट को इसने पुअर कैटेगरी में रखा है। 7 सेकंड है हमारी वेबसाइट, यानी हमारी वेबसाइट फेयर में आ रही है, जस्ट बॉर्डर लाइन पर, फेयर वाले हिस्से में आ रही है, यहाँ से पुअर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये गुड सेक्शन है, यानी कि 4 से लेके 5 सेकंड के बीच में अगर टाइम लगा रही है तो वेबसाइट गुड है, और 3 सेकंड या उससे कम टाइम लगाती है यानी आपकी वेबसाइट एक्सेलेंट है, बहुत शानदार वेबसाइट है, बहुत जल्दी लोड हो रही है, यूज़र को भी वेट करना नहीं पड़ रहा, चाहे वो बहुत ही लो स्पीड वाला नेट यूज़ कर रहा हो, 3G यूज़ कर रहा हो या 4G यूज़ कर रहा हो, कोई भी नेट यूज़ कर रहा हो। और ये सारी जितनी भी इंटरनेट और टेलीकॉम की इंडस्ट्री है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बताया। आप यहाँ से दूसरी इंडस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर, अगर हमें चूज़ करना हो, हमने अदर्स चूज़ कर ली क्योंकि हमारी जो कैटेगरी है वो आ नहीं रही। तो अदर्स के अकॉर्डिंग आपका क्या स्कोप रहता है, क्या ये आपका डेटा है, वो आपको बता देगा। साथ ही में हम नीचे आ रहे हैं तो ये बता रहा है कि आपकी स्पीड कुछ फिक्स अगर आप कर ले, जैसे कुछ ऑप्टिमाइजेशन है,
फिक्सेस है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट्स है, अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारी स्पीड 3 सेकंड तक और रिड्यूस हो सकती है, यानी कि हमारी वेबसाइट की स्पीड मोबाइल पे और ज़्यादा बेटर हो सकती है। यहाँ उसने वो पॉइंट्स बता दिए हैं कि यहाँ से आप देख सकते हो कि वो कौन कौन से फिक्सेस है, जैसे कि रेंडर ब्लॉकिंग, लोड विजिबल कंटेंट बिफोर जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल्स, ये सारे जो पॉइंट्स है इनको जाके मुझे मेरे जो वेबसाइट के कोड है उसमें जाके इनको इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करते ही काफ़ी हद तक मेरी वेबसाइट की स्पीड बहुत सुधर जाएगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट जो मेजर पॉइंट होते हैं, यानी आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और यूज़र को जल्दी से जल्दी हमारी वेबसाइट का पेज ओपन होकर दिख जाना चाहिए, यानी फास्ट लोडिंग वाला, तो ये पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टेस्ट माई साइट इस टूल से। अब इसको कंपेयर करें हमारे गूगल के पेज स्पीड इनसाइट से, तो वहाँ पे उसने बता दिया था कि पेज की कंडीशन कैसी है, एवरेज है, रिस्पॉन्सिव है, पेज की स्पीड और सुधर सकती है। यहाँ पे इसने ये तक बता दिया कि हमारी स्पीड की वजह से कितने यूज़र्स हमें छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ पे उसने ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप बताया था कि यहाँ यहाँ और हद तक आप मिनिफिकेशन कर सकते हैं और ज़्यादा उनको कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि यहाँ इस वेबसाइट में सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस को ही टारगेट करके ये बता रहा है कि कितना टाइम ले रही है आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइसेस पे, कितना हम कंप्रेस करके और ज़्यादा अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि क्योंकि यूज़र सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, वो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को देखना होगा तो मोबाइल पे देखते हैं, तो वहाँ पे हमारे कस्टमर्स हमसे छूट ना जाए। इसने ये भी बता दिया कि जो मिनिमम स्पीड है आजकल, जैसे सब 3G यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम 3G तो सबके पास होता ही है, तो 3G में भी हमारी वेबसाइट 7 सेकेंड्स लगा रही है, और इसकी वजह से भी 26% तक यूज़र्स हमारी वेबसाइट को छोड़ के जा रहे हैं, यानी लोड होने में टाइम लगा रही थी 7 सेकेंड भी, तो भी वेबसाइट से यूज़र्स छोड़ के चले गए, तो हमें इस टाइम को और कम करने की नीड है। तो ये सारे पॉइंट्स कि हमें कितना कम करना है, बाकी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनके अकॉर्डिंग हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, यानी हमारा कितना अच्छा पोजिशन बना हुआ है स्पीड के अकॉर्डिंग, और साथ ही में कहाँ कहाँ हम रिड्यूस करके हमारी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये सारे पॉइंट हम गूगल के इस फ्री टूल से देख सकते हैं, और साथ में हम अपनी इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी डाउनलोड करके मैंने ये रख लिया अपने पास एज अ रिकॉर्ड कि मेरी अभी वेबसाइट की मोबाइल पे कैसी कंडीशन है, ताकि मैं अब की कंडीशन और ऑप्टिमाइज होने के बाद में मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है दोनों कंडीशन को कंपेयर करके देख सकूँ। तो वो फैसिलिटी भी गूगल का ये टूल आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये गूगल के फ्री मोबाइल स्पीड टेस्ट टूल के बारे में। मोबाइल पे भी हमारी वेबसाइट का फास्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये टूल यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कहाँ कहाँ पिछड़ रही है, ताकि हम इसको सही करके हमारी वेबसाइट को और ज़्यादा बेटर कर सकें, ताकि हमारी वेबसाइट हायर रैंक करें। और क्योंकि गूगल भी आजकल मोबाइल पे वेबसाइट की रैंकिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देने लगा है, तो अगर मोबाइल पे भी हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बेटर हुई तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारी डेस्कटॉप की रैंकिंग पे भी पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।